और यहाँ आपको बताएंगे, पाकिस्तान का सैटेलाइट मिशन आई क्यूब कमर चांद पर पहुँच गया है। 5 रोज में चांद के मैदान में पहुँचेगा। मिशन 3 से 6 माह तक चांद के अतराफ चक्कर लगाएगा। चांद की सतह की मुख्तलिफ तस्वीर ली जाएंगे। सैटेलाइट मिशन चीन के हन्नान स्पेस लॉन्च साइट से रवाना हुआ। आई क्यूब कमर का डिज़ाइन चीन और सुपारको के इश्तराक से तैयार किया गया। कायनात को तस्खीर करने का मिशन, साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया में पाकिस्तान के कदम जमने लगे। पाकिस्तानी साइंसदानों की महारत का खलाई तजुर्बा, पाकिस्तान ने अपना सैटेलाइट मिशन चांद पर रवाना कर दिया। आई क्यूब कमर रोबोटिक खलाई जहाज चेंग 6 के साथ चांद के सफर के लिए रवाना हुआ। इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी में पुरवकार तकरीब हुई, जिसमें खलाई मिशन की चांद पर रवानगी के मनाजिर तलबा और फैकल्टी मेम्बरान ने बराह रास्त देखे। सबका जोश और जज्बा दीदनी था। प्रोजेक्ट में हिस्सा लेने वाले तलबा का कहना था कि कल तक जो मिशन हमारा ख्वाब था, आज हकीकत का रूप धार चुका है। मिशन आई क्यूब कमर के रुकन डॉक्टर खुर्रम खुर्शीद का कहना था, इस मिशन के जरिए पाकिस्तान 2 ऑप्टिकल कैमरों से लैस आई क्यूब कमर की मदद से चांद की सतह की तस्वीर और मालूमात हासिल कर सकेगा। 5 दिन बाद इंशाल्लाह हमारा आई क्यूब चांद के मदार में पहुंचेगा, डिप्लॉय हो जाएगा और हमें डेटा भेजना शुरू कर देगा। डायरेक्टर इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी डॉक्टर शफात अली का कहना था कि इस मिशन से हासिल होने वाली मालूमात की मदद से मुस्तकबिल में नई तहकीक की जा सकेगी। और उस डाटा को हम एनालाइज करके स्टडी करके जो हमारे फ्यूचर के ऑल लूनर मिशंस हैं उनको हम इंशाल्लाह उन डाटा को लूनर मिशंस में इंकॉर्पोरेट करेंगे। मिशन आई क्यूब कमर से पाकिस्तान चांद पर कदम रखने वाला दुनिया का 6ठा मुल्क बन जाएगा, जो खला में तहकीक और मालूमात के लिए एक अहम संगे मील साबित होगा।